राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। राजस्थान में जिस सीट की सबसे अधिक चर्चा रही वह है बाड़मेर जैसलमेर सीट। इस सीट पर रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार गए। भाटी की हार किस कारण हुई इस पर भी खूब चर्चा हुई कि आखिर कैसे इतनी चर्चा के बाद भी भाटी की हार होगी। क्या जो भाटी के साथ दिखने वाली भीड़ फर्जी थी? इन सवालों का जवाब तो अब रविंद्र सिंह भाटी भी नहीं दे सकते हैं। बात करें चुनाव की तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल ने रविंद्र सिंह भाटी को 118,176 वोटों के बड़े अंतर से हराया। हार के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बात की। उन्होंने कहा, मैं जनता का आभारी हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया। भाटी ने कहा, मेरे लोकसभा क्षेत्र की 5,80,000 से अधिक जनता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। वहीं हार के बाद किसी बीजेपी नेता ने उनसे संपर्क किया। इस सवाल पर भाटी ने कहा, मेरी किसी से बात नहीं हुई। इससे ये साबित होता है कि जो जीता वही सिकंदर, हराने वालों को कोई नहीं पूछता। हार भले एक वोट हुई हो या एक पॉइंट से, हार की सबसे बड़ी बात है कि हार से हार जाना। अब जनता के आगे किसकी चलती है, इसमें तो किसी नेता की बस की बात नहीं है कि वो जनता से बड़ा हो जाए। ऐसा ही हाल है राजस्थान से सारे लोकसभा चुनाव हारे नेताओं के, जो बस अब मुंह छुपाए फिर रहे हैं। उनको अब कोई इतना खासा भाव नहीं देते हैं। किसी बड़ी पार्टी का हो तो फिर भी पार्टी में पहचान रहती है, लेकिन भाटी जैसे अकेले निर्दलीय लड़ने वाले को कोई नहीं पूछता। उल्टा मन ही मन में खुश होते हैं, बीजेपी कांग्रेस के नेता की अच्छा हुआ हार गया, वरना ये हवा में उड़ता और हमें बोलने नहीं देता। यही राजनीति का खेल है।